हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ अरबी की सूखी सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। इस सब्जी को आप बहुत ही आसानी से और कम मसालों का इस्तेमाल करके जल्दी घर पर बना सकते हैं। तो चलिए हम अरबी की सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अरबी की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम अरबी ली है, जिसे मैंने छीलने से पहले भी एक बार अच्छे से धो लिया है। इसे हम अब छील लेंगे। तो इसी तरह से मैं सभी अरबियों को छील लूंगी और छीलने के बाद इन्हें मैं एक बार और अच्छे से धो लूंगी पानी से। तो ये देखिए, मैंने अरबी को छील कर पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इन्हें कट करेंगे। तो आप इसे जैसे चाहें कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे पतले पतले और लंबे पीसेस में कट कर रही हूँ। आप चाहें तो इन्हें गोल गोल भी कट कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं सभी अरबियों को कट कर लूंगी। हमें पीसेस को पतला ही रखना है, जिससे ये आसानी से गल जाएं। तो यहाँ पर अरबी हमारी कट चुकी है। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई रख दी है, जिसमें मैं 2 चम्मच सरसों का ऑयल ऐड करूंगी। जब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन और 2 पिंच के करीब हींग ऐड करूंगी। अब मैं इसमें 2 बारीक कटी हुई प्याज ऐड करूंगी, जिसे हमें अच्छे से फ्राई करना है। तो हमें प्याज को अच्छे से भून लेना है। अब प्याज के साथ ही मैं इसमें 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करूंगी और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है मैंने यहाँ पर। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए, प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। अब हमें इसे अच्छे से 2 मिनट तक भून लेंगे। तो ये देखिए, मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें कटी हुई अरबी ऐड करेंगे। देखिए, मैंने अरबी को इसमें ऐड कर दिया है। अब हमें अरबी को अच्छे से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही चलाते हुए भून लेना है। तो मैं इसे ऐसे ही चलाते हुए अच्छे से 2 से 3 मिनट तक भून लूंगी। इसके बाद मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे और इसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है। अब हम इसे ढककर 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, इसे हम एक बार अच्छे से चला देंगे। हमें अरबी को मीडियम फ्लेम पर ही कुक होने देना है, नहीं तो ये जल जाएगी। तो ये देखिए, इसे मैं चेक कर लूंगी। तो ये अभी बहुत ही सॉफ्ट नहीं हुई है। तो अब हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए और कुक होने देंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, इसे हम एक बार और अच्छे से चला देंगे और चेक करेंगे। तो ये देखिए, मैं इसे स्पून की हेल्प से चेक करूंगी। अरबी हमारी अच्छे से पक चुकी है और सॉफ्ट भी हो गई है। तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम इसमें बारीक कटी हुई हरी धनिया ऐड करेंगे। अरबी को अब मैं यहाँ पे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लूंगी। तो मैंने यहाँ पे अरबी को एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसके ऊपर से थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। तो अरबी की सब्जी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप भी इस तरीके से अरबी की सब्जी बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही क्रिस्पी बनती है। आप भी इस रेसिपी को बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।